गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था ब्रेविस लैटिसेस के बारे में, थोड़ा डिस्कशन किया था जिसमें हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से ये फाइंड आउट किया गया कि 14 डिफरेंट वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज। मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिपीट करते हैं उसको। हमने ये पढ़ा कि टोटल पॉइंट ग्रुप जो होते हैं सिमेट्री मिलाकर वो 32 होते हैं, टोटल पॉइंट ग्रुप 32 होते हैं। बट उन सबों में बहुत सारा जो सिमेट्री होता है वो आइडेंटिकल होता है। तो आइडेंटिकल होने के कारण अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर का अगर बात करें कि कितने डिफरेंट टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो ये 7 बेसिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नाउ ये 7 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अब ये हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे क्यूबिक हो गया, तो हमने यूनिट सेल पढ़ा, सिंपल पढ़ा, बॉडी सेंटर पढ़ा, फेस सेंटर पढ़ा, एंड सेंटर पढ़ा। तो वो जो 4 यूनिट सेल हम लोग पढ़े, वो पूरा का पूरा हर एक क्रिस्टल सिस्टम में वो पूरा का पूरा 4 यूनिट सेल बनना पॉसिबल नहीं होता है। अगर वो पॉसिबल होता तो हमारे पास टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 था, और हर एक यूनिट सेल में अगर हर एक का 4 यूनिट सेल पॉसिबल होता तो मेरे पास टोटल 28 आ जाता। बट देखा गया कि सभी में 4 पॉसिबल नहीं होता है। क्यूबिक का बात करें तो इसमें 3 पॉसिबल है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में 2 ही पॉसिबल है, सिंपल और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। याद रखना है ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा यूनिट सेल है, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सारे टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है। मोनोक्लिनिक में सिंपल और एंड सेंटर, और बाकी हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक में 1-1। ये सभी को हम आपस में ऐड करें तो टोटल हमें 14 मिलेगा, और ये 14 को कलेक्टिवली एक साथ ब्रेविस लैटिसेस बोला जाता है। 14 को टोटल ब्रेविस लैटिसेस बोला जाता है। याद रखना है टोटल पॉइंट ग्रुप सारे सिमेट्री को मिलाकर टोटल पॉइंट ग्रुप अगर हमें पूछा जाएगा तो 32 बोलेंगे। अगर मेरे पास टोटल क्रिस्टल सिस्टम, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम पूछा जाएगा तो 7 बोलेंगे, और क्रिस्टल सिस्टम में हर एक यूनिट सेल को कंबाइंड करके अगर पूछा जाएगा तो हम 14 बोलेंगे, और वो 14 हमारा ब्रेविस लैटिसेस होगा। तो याद रखना है 32 पॉइंट ग्रुप्स, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस। और एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें कि किसी भी क्यूब में डायरेक्टली हम लिख देते हैं नॉलेज के लिए कि टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स इन अ क्यूब, ये याद रखिएगा, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स इन अ क्यूब, सिर्फ क्यूब का बात कर रहे हैं, 23 होता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि किसी भी क्यूब में जो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स होता है वो 23 होता है। टोटल सिमेट्री एलिमेंट क्यूब में 23 होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। नाउ अब आ जाते हैं अब हम लोग डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या आयंस किसी भी यूनिट सेल में कितने होते हैं, उसको समझने के पहले हमें इन सारे को समझना पड़ेगा, लैटिस पॉइंट और उसका कंट्रीब्यूशन। अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो एक यूनिट सेल में वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। अगर कोई पार्टिकल फेस पे है तो एक यूनिट सेल में 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। अगर कोई पार्टिकल एज पे है तो एक यूनिट सेल में 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर कोई पार्टिकल विद इन द बॉडी है, बॉडी के अंदर में है, तो पूरा 1 वो कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कंट्रीब्यूशन कैसे पॉसिबल होता है किसी भी क्यूब में। एक पॉइंट और याद रखना है कि मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम 7 है, बट हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो मेनली 2 क्रिस्टल सिस्टम का ही कैलकुलेशन करेंगे।
एक तो क्यूबिक का करेंगे और एक हम लोग हेक्सागोनल का करेंगे। तो जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो क्यूबिक में होगा और हेक्सागोनल में होगा। तो अब हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इन सारी चीज को समझने के लिए कि कौन सा पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको हमें समझने के लिए हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्यूब को कट करके 8 इक्वल क्यूब में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। ये एकदम कॉपी पेन लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ये हमने कुछ ऐसा लिया, पहले क्यूब कैसे बनाएंगे और क्यूब को 8 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो ये सारा समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया, फिर क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है और ये वाले को यहां रखना है और यहां से इसे ऐसे कर देना है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, इसके जस्ट सामने लाना है। डिवाइड करने का तरीका बताते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है क्यूब बनाने का। ये हो गया, ये वाला पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मैच करा दीजिए, ये वाला पॉइंट को ये वाला पॉइंट से मैच करा दीजिए, ये मेरा क्यूब बन गया। अब इसको 8 इक्वल पीस में हमें कट करना है। कैसे कट करेंगे समझना है। यहां एक पॉइंट लो, मिडिल पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट लो और इसको कट करो, डिवाइड करो ऐसे। ये हो गया, यहां से एक प्लेन बनाना है ऐसे और इसको कट करना है। ये टू इक्वल पीस में हमें कट कर गया। फिर यहां से लेना है, इस पॉइंट को यहां ले जाते हैं, ये लाइन को, और इसको यहां ले जाते हैं। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आसानी से स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 इक्वल पीस में ये कट कर गया। यहां से लेना है पॉइंट, यहां से एक पॉइंट लेना है, ये वाला। पहले ऐसे इसको कट कर रहे हैं, फिर ये पार्ट से कट कर रहे हैं, अब ये इस पार्ट से हम लोग कट कर रहे हैं। तो यहां से इसको लेते हैं, यहां ले आते हैं और ये हो गया, और फिर यहां से लेते हैं और इसको इस जगह पे कट कराते हैं। यहां से लिया हमने और इसको यहां हमने ऐसे कट कराया। फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, ये वाले को ये वाले से मिला देना है ऐसे, फिर ये वाले को ये वाले से मिला देना है। अब देखिए क्या है, अब ये वाला पॉइंट को भी ऐसे मिला दीजिए, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दीजिए। फिर क्या करना है, यहां से अगर हम लोग देखें तो ये दिखाई पड़ रहा होगा 8 इक्वल पीस में कट कर गया है। एक जगह और करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे। अब ये एग्जैक्टली 8 इक्वल पीस में ये क्यूब हमारा फॉर्म्ड हो गया है। नाउ अब यहां से इस क्यूब के हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, क्या क्या यहां पे कंट्रीब्यूशन होगा, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सिर्फ एक क्यूब का बात करते हैं, हमारे पास क्यूब कितना है काउंट कर लेते हैं, 1, इसके पीछे 2, 3, 4, यहां से बात करें तो 2 इधर 4, यहां पे 2, 6, यहां पे 2, 8 क्यूब में, मतलब एक बड़ा सा क्यूब जो है वो 8 इक्वल पीस में कट कर गया। इसमें से हम सिर्फ फ्रंट वाला का बात करते हैं तो ये वाला कर लेते हैं, सिर्फ ध्यान देना इस बात को,
यहां पे लेते हैं, ये एक यूनिट सेल हो गया हमारा, दिस इज अ यूनिट सेल, ये हमारा एक यूनिट सेल है, क्योंकि हमने पढ़ा, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल बेसिक यूनिट हमारा यूनिट सेल कहलाता है, और रिपीटेशन से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो हम इसका बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा, ये वाले क्यूब में ये मेरे पास एट कॉर्नर है, दिस इज एट कॉर्नर, ये वाले क्यूब में हमारे पास एट कॉर्नर है। अब कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का 1/8 कैसे होता है, इस पॉइंट को समझना है हमें, ऐसे समझना है कि ये वाला जो कॉर्नर है ये कितने यूनिट सेल, फिर से बता दें यूनिट सेल का मतलब सिंपल एक क्यूब हुआ, और ये सारे क्यूब के रिपीटेशन से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो अगर हम सिर्फ एक यूनिट सेल का बात करें, ये वाले यूनिट सेल का अगर हम बात करें सिर्फ फ्रंट वाले का, तो फ्रंट वाले यूनिट सेल का अगर हम बात करें, फ्रंट वाले यूनिट सेल जिसको हम सिर्फ ऐसे क्लैरिटी के लिए ऐसे ब्लू से दिखा रहे हैं, ये फ्रंट वाले यूनिट सेल का हम बात करते हैं। अब कभी भी चेक करना है तो बीच वाले क्यूब से ही चेक करना है, ये मान के चलना है इसके आगे भी क्यूब है और भी रिपीट हो रहा है क्यूब। तो ये जो कॉर्नर है वो कितने से कंट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला कंट्रीब्यूट कितने में हो रहा है, मतलब कितने यूनिट सेल के लिए ये कॉर्नर कॉमन है। तो आंसर होगा 8 यूनिट सेल के लिए कॉर्नर कॉमन है। कौन कौन, ये एक 1, एक इसके पीछे वाला 2, ये 1 हो गया, और इसके पीछे वाला जो जस्ट दिखाई रहा है 2 हो गया, ये 3 और 4, ये तो ऊपर जो दिख रहा है ये भी, उसका भी जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन वाला जो पॉइंट होगा वो यहीं पे टच करेगा। तो यहां से तो हमें दिख रहा है कि ये कितने में जा रहा है, 4 में जा रहा है, इधर भी इन सारे इधर वाला जो पोर्शन है ये 5, 6, 7, 8, ये सारा का सारा यहीं पे लाके टच कर रहा है। मतलब अगर एक हम एक बड़ा बॉल यहां पे लाके रख दें तो ये बॉल कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, तो आंसर होगा 8 के लिए कॉमन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये बॉल का जो पार्ट है वो पूरे के पूरे 8 यूनिट सेल में जा रहा है। तो किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में कितना उसका पार्ट होगा, तो 1/8 होगा, एक जो है वो 8 यूनिट सेल में बट रहा है, तो किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 1/8 होगा। तो पता चल गया कि कॉर्नर पर कोई भी रखा हुआ पार्टिकल 1/8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नाउ अब आ जाते हैं फेस, ये क्यूब का कौन सा फेस है, ये फेस एज्यूम कीजिए, ये फेस को एज्यूम कीजिए, क्यूब का इधर वाले फेस को। तो जब आप इधर वाले फेस को एज्यूम करेंगे तो ये फेस कितने के लिए कॉमन है, तो सिर्फ 2 के लिए कॉमन है, एक ये और एक इधर, सिर्फ 2 के लिए कॉमन है। तो अगर कोई भी पार्टिकल ये फेस पे रखा हुआ है, क्योंकि इधर वाला जो यूनिट सेल है फ्रंट वाला यूनिट सेल, और इसका फ्रंट वाला जो यूनिट सेल है वो दोनों के लिए ये वाला फेस कॉमन है, तो इस फेस पे अगर हम पार्टिकल को रखें तो ये 2 में चला जाएगा, एक इधर वाले यूनिट सेल में, एक इधर वाले यूनिट सेल में। बता दें इसके इधर वाला जो फेस है, पीछे वाला फेस, उन दोनों पीछे वाले क्यूब के लिए कॉमन है, पर ये वाला फेस फ्रंट वाले ये दोनों क्यूब के लिए कॉमन है। मतलब अगर यहां पे एक पार्टिकल को रखें तो हाफ हाफ पार्ट में ये क्या होगा, बट जाएगा, हाफ इसका हाफ इसका। मतलब याद रखना है कि फेस पे रखा हुआ पार्टिकल 1/2 में डिवाइड हो जाता है। एज पे रखा हुआ पार्टिकल, एज पे अगर हम कोई पार्टिकल को रख दे, एज क्या होता है, किसी भी क्यूब में 12 एज होता है, ये एज, दिस इज एज, ये वाला एज, तो ये एज को समझना है कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन है ये एज। तो आंसर आपको मिलेगा 4। कैसे 4 मिलेगा, एक तो इसके लिए कॉमन है ही सामने वाले के लिए, इसी एज से, इसी एज पे लाकर पीछे वाला भी टच कर रहा है, तो 2 हो गया,
एक ये और एक ये, इन दोनों का ये कॉमन एज है, और ऊपर से जो क्यूब आ रहा है और उसके पीछे जो क्यूब आ रहा है उसका भी पोर्शन यहीं पे टच करेगा, मतलब दो यहां से। अगर हम सिर्फ ये वाले पोर्शन का बात करें, तो ये एज इन दोनों के लिए कॉमन था और इसी फेस पे वो दोनों लाके टच कर रहा है, मतलब ये एज ऊपर वाले दोनों के लिए कॉमन है। मतलब एज पे अगर हम एक पार्टिकल को रख दें तो 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एज का पार्टिकल 1/4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब आ जाते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है, इंटरनल पार्ट, इसको अलग से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर हमने एक क्यूब बनाया कुछ ऐसा, एक क्यूब बनाते हैं कुछ इस टाइप से, मान लेते हैं हम एक क्यूब बनाते हैं, अगर हम ऐसे क्यूब बनाते हैं और इसके इंटरनल वाला पार्ट का बात करें, अंदर, ये इंटरनल वाला पार्ट का मतलब हो गया क्यूब के अंदर वाला पार्ट, क्यूब में जो स्पेस है अंदर में वो वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर पार्ट में, इंटरनल पार्ट में अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो वो सिर्फ इसी के लिए कॉमन होगा, बाकी किसी में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब बॉडी में रखा हुआ पार्टिकल फुल्ली कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ इसी में कंट्रीब्यूट करेगा, ये बाहर में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो कॉर्नर में रखा हुआ है तो ये कॉर्नर पर अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, याद रखना है, अगर हमने यहां पे कॉर्नर पे पार्टिकल रखा तो ये ऐसा ऐसा बहुत सारा क्यूब है, यूनिट सेल है, तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। अगर हमने एज पे पार्टिकल रखा, याद रखना है, बॉडी पे हमने पार्टिकल रखा फुल्ली कंट्रीब्यूट किया, कॉर्नर पे रखा 1/8 कंट्रीब्यूट किया, एज पे रखा 1/4 कंट्रीब्यूट किया, और फेस पे अगर हमने रखा तो हाफ कंट्रीब्यूट किया। ये पॉइंट को याद रखना है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में 8 होता है, एज का कंट्रीब्यूशन किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में 1/4 होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में 1/2 होता है, पर अगर बॉडी में रखा हुआ, इंटरनल पार्ट ऑफ क्यूब में रखा हुआ है तो वो तो चारों तरफ से बंद है, मतलब वो पूरा फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में।